नमस्कार, मैं हूं कमलेश। मैं हूं आकाश। आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर चलते हैं जो अंबिकापुर शहर के बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन उसकी प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। तो हम लोग अजीरमा पहुंच गए हैं और कितना किलोमीटर है वो जगह हम पहुंचकर आपको बताएंगे। तो लगातार एक हफ्ते से बारिश हो रही है, अभी भी बादल हैं, लेकिन आज थोड़ा सा मौसम साफ हुआ है। तो हम आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं और ये जगह है पिलखा पहाड़ की तराई में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस यात्रा को, बने रहिएगा हमारे साथ। काली घाट का मोड़ हमने पार कर लिया है। अंबिकापुर से मनेन्द्रगढ़ रोड पर 6 किलोमीटर आने के बाद हम बाई तरफ मुड़े हैं। इसी रास्ते से हम जगह पर पहुंचने वाले हैं। मुख्य सड़क से मुड़ते ही हम पहुंच जाते हैं रेलवे क्रॉसिंग के पुल पर, और ये पटरी है नीचे, अंबिकापुर रेल लाइन। काफ़ी सुंदर व्यू है यहाँ का भी, और ये पटरी अनूपपुर के लिए। तो हमारे पिछले चक्का में हवा कम हो गया है, तो फिर वापस चलते हैं, देखते हैं पंक्चर तो नहीं हुआ है। तो फाइनली हमने हवा चेक करवा लिया है, पंक्चर नहीं था। अगले चक्के में भी हवा कम थी, तो अब फिर से वापस चलते हैं हम। इसी रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे। तो एक हफ्ते बाद आज थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल रही है। धान रोपाई का समय है, देखिए धान की रोपाई भी हो रही है। आगे थोड़ा कच्चा रास्ता मिला है, हमने पक्की सड़क को छोड़ दिया है और उसी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम आ चुके हैं उस खूबसूरत से जगह पर, ये देखिए पिलखा पहाड़। मक्के की खेती की गई है यहाँ, और ये डैम, और यहाँ इसमें अरहर लगाए हैं। ये लकड़ा है, लकड़ा की खेती हुई है इसमें किनारे किनारे, और ये मक्के की फसल। पीछे पहाड़, ऊपर आसमान में बादल। इक्के दुक्के करके पर्यटक यहाँ तक पहुँच ही रहे हैं, और अंबिकापुर से मात्र 10 किलोमीटर है, इसलिए यहाँ पर लोग आसानी से आ जा रहे हैं। वहाँ देखिए कार से एक टीम पहुँची है। बरसात का ये समय है, तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है अंबिकापुर से ठीक 10 किलोमीटर दूर ये जगह मोरभंज डैम। तो हम अपने साथ एक ये छतरी भी लेके आए हैं। हमने सोचा कि बारिश होगी तो छाता का काम पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो धूप से बचने के लिए हमको
छाता लगाना पड़ा। आशा करता हूँ ये जगह आपको बहुत पसंद आई होगी और यहाँ आने के लिए आप ज़रूर सोच रहे होंगे। तो पिलखा पहाड़ के दूसरी तरफ का ये हिस्सा है और यहाँ मोरभंज नामक जगह पे ये डैम बना हुआ है और खूबसूरत पहाड़, ऊपर आसमान में बादल और यहाँ डैम, चारों तरफ हरियाली। ये बरसात का मौसम है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार।